नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोग लेक्चर 5 में स्लाइड पर डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 1 का स्टेप 1 किया था, जहां अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था। उसके बाद हम मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को लेकर और विस्तार और गहराई से बात कर रहे थे। तो ये बात निकल कर आती है कि शरीर साधन मात्र है, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ जो शरीर के साथ सह अस्तित्व में हूँ। शरीर एक जड़ इकाई है। मैं जीना चाहता हूँ, जीने की चाहना मुझ में है, शरीर में नहीं, और शरीर का मैं साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। उस क्रम में मैं शरीर के लिए सुविधा की व्यवस्था करता हूँ, और जो सुविधा की आवश्यकता है शरीर के लिए वो तीन ही प्रयोजनों से है। शरीर के पोषण के लिए है, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए। दिखता है कि मेरा पूरा कार्यक्रम तो अपने जीने के पूरे फैलाव में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है, और उस पूरे कार्यक्रम में सुविधा का उत्पादन करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना मेरे पूरे कार्यक्रम का एक छोटा भाग है। तो इस पर आज हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने इतनी बात की थी, तो अभी तक जितनी चर्चा हुई और कल जो चर्चा हुई उसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं, या कल के पूरे ऑब्जर्वेशन से कोई शेयरिंग हो तो भी रख सकते हैं। कि हम लोग अभी और विस्तार समझें कि मैं ही करता हूँ यानी निर्णय लेने वाला, और मैं ही भोगता हूँ यानी सुख दुख भोगने वाला, शरीर नहीं, शरीर उसमें एक साधन मात्र की तरह काम कर रहा है। भैया जो ये अभ्यास हम कर रहे हैं इसके थ्रू भी, और इस कंटेंट एक्सप्लोरेशन के थ्रू भी, और पहले भी जो मेरा एक्सप्लोरेशन है इसके थ्रू, मैं तो ये देख पा रहा हूँ मैं और शरीर के बीच में जो अलग अलग जो डिफरेंस हैं, चैतन्य और शरीर, ये जड़ हैं, ये कॉन्शियस हैं, और इनकी नीड, इनकी एक्टिविटी और इनके रिस्पॉन्सेज के बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा वो ब्रेन को यूज़ करते हैं या ब्रेन को ही अपना वो पॉइंट मानते हैं। तो कई बार अभी कल क्लास में डिस्कशन में काफ़ी मैंने उसको रखने की कोशिश की, इस प्रस्ताव को, मैं और शरीर अलग अलग हैं, दोनों का सह अस्तित्व है, और ये तीनों नीड, एक्टिविटी और रिस्पॉन्स के आधार से जो डिफरेंस हैं, या और भी मेरे जो खुद के अपने एक्सपीरियंसेस उसके बेस पे। लेकिन जनरली स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड हैं, वो ब्रेन को ही सब कुछ मानते हैं, और वो उनका कहना है कि आप जिसको मैं बोल रहे हैं वो अलग एंटिटी कैसे हो सकती है, हो सकता है ये सारी चीज़ें जो इच्छा विचार आशा भी ब्रेन में चल रही। तो थोड़ा भैया आप इस पर और अगर गाइड करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। बाकी चीज़ें जो कंटेंट में आई हैं वो तो मैं रख ही पा रहा हूँ, लेकिन शायद थोड़ा और डिटेलिंग कर पाऊँ तो बच्चों तक ये बात पहुंच पाए। जी देखिए, इसमें एक तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसको एक रैशनल बेसिस पे भी हम एनालाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि ब्रेन में ही हो रहा है सब कुछ, इसका मतलब कि मानव शरीर मात्र है ना, तो इसको हम देख के फिर बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। तो शरीर मात्र है तो फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि शरीर तो टेम्पररी है, आप सबको पता है, तो आप ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना, इतना सारा नॉलेज अक्वायर करने का प्रयास कर रहे हो, इतना सारा स्किल सीख रहे हो, ठीक है, और ये सब टेम्पररी है, ये सारा मेहनत करके अल्टीमेटली आपका अचीवमेंट क्या हुआ, शरीर गया, सब कुछ गया, है ना, और उसके बाद स्थिति तो वैसी है, कोई अनपढ़ रह गया तो भी, कोई पढ़ा लिखा हुआ तो भी, बात तो बराबर हो गई, कोई 8 साल जिया तो भी, कोई 80 साल जिया तो भी, बात तो बराबर हो गई। तो इस बात को पूछ कर फिर उसे पूछ सकते हैं कि आपको ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो इससे काफी सारी चीजें बच्चों को क्लियर हो जाती है। उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं इतना नॉलेज अक्वायर कर रहा हूँ, इतना स्किल सीख रहा हूँ, और इतना मैं सब कफ सहकर दुख भोग कर लाइफ में कुछ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसका नेट आउटकम अगर कुछ नहीं है तो मैं क्यों करूँगा। नहीं भैया, नेट आउटकम इस जन्म में तो है ना, जैसे मान लो किसी ने एक्वायर किया स्किल या जो भी किया 30 तक, तो उसका जो बेनिफिट मिलना है 30 के बाद मिलेगा ही उसको, 40 में किया तो 40 के बाद मिलेगा। जनरली लोग जो कर रहे हैं यही सोच के कर रहे हैं कि मुझे इसी जो जन्म में सब कुछ जो मैं मिल रहा है मुझे, चाहे वो सुविधा के रूप में, चाहे वो सम्मान के रूप में, सो कॉल्ड सम्मान के रूप में, या और भी पावर के रूप में, या किसी भी रूप में, तो उसी के लिए तो लोग कर रहे हैं भाई।
हाँ उसमें क्या सुख मिल रहा है क्या? ये सेल्स के साथ जो है और शरीर यात्रा के साथ जो खत्म हो जाएगा, आगे क्या होगा ये तो हम एस्टीमेट अनुमान नहीं कर पाते। अब इस स्थिति में हम भी नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। नहीं नहीं वो तो सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि कुछ नहीं बचेगा, जब मानव शरीर मात्र है इसके बाद क्या होगा बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं बचेगा। या तो हम ओपन कर दें कि पता नहीं है, वहां तक तो ठीक है, है ना। तो एक बात तो ये जो मैंने आपसे कही, दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ ब्रेन में ही हो रहा है, सो कहने का आधार क्या है? जी जी हाँ भैया, क्योंकि जब हम कई बार जो कई बार लोगों को जब ब्रेन काम नहीं कर रहा है तब भी सेल्फ वहाँ पे हैं और शरीर भी हैं। नहीं नहीं अभी वहाँ नहीं जाते हैं, अभी तो मैं सिर्फ रैशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, है ना जी। कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रेन में हो रहा है और ब्रेन के अलावा यानी बॉडी के अलावा कुछ और है नहीं, किस आधार पे कह रहे हैं आप? क्या साइंस ऐसा कहता है, क्या मेडिसिन ऐसा कहता है, क्या थोड़ा थोड़ा वो साइंस की बात लाते, लेकिन कल पूरी बात नहीं हो पाई, मैं और बात करके फिर आपसे आपसे बात करूंगा। तो नहीं देखिए उनका क्लियर होना अपनी बात है, आपका क्लियर होना मुख्य बात है कि आपको क्लियर है कि नहीं। भैया जीने में मुझे क्लियर है, लेकिन नहीं क्लियर है ना, रुकिए रुकिए अभी इसकी हड़बड़ी ना करें। देखिए क्या है, अगर बच्चों के प्रश्नों से हम प्रभावित हो जा रहे हैं इसका मतलब ये हमारे में भी क्लैरिटी नहीं है। नहीं मैं प्रभावित नहीं हो रहा भैया, मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ और बच्चों को लास्ट को प्रस्ताव वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, तो मैं आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ कि इसको और किस तरह से रख सकते। देखिए तो ये हम अपने आप में भी इसको क्लियर कर सकते हैं पहले तो, है ना, कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम एक तो हम रैशनल बेसिस पे देख लें कि अगर मानव शरीर मात्र है तो निष्कर्ष क्या है जीने का, एक बात। दूसरी बात, किस आधार पे हम कह रहे हैं कि मानव शरीर मात्र है, तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, साइंस भी नहीं कहता कि ह्यूमन बीइंग इज मियरली द बॉडी, कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, वो भी एक अजम्पशन है कि सब कुछ ब्रेन में हो रहा है, है ना। तो हम यहाँ तो ओपन रख देंगे ये क्लियर नहीं है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इज ओनली द बॉडी, ये अगर हमको क्लियर नहीं है, है ना, तो हम इसको ओपन रखेंगे ना कि इसको हम अज्यूम कर लेंगे। तो हमको सेल्फ नहीं दिखता एक बात है, बट हमको ये भी तो नहीं दिखता कि ह्यूमन बीइंग इज ओनली द बॉडी। जी जी इस बात को तो बहुत आसानी से बच्चे स्वीकार लेते हैं, हाँ इसको ओपन रखेंगे, क्योंकि तो हमारे पास ये भी कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ह्यूमन बीइंग इज मेरली द बॉडी और सारी एक्टिविटीज ब्रेन में हो रही है। हाँ इसका भी नहीं है, लेकिन जब तक हम मैं और बीच के बीच में जो मैं और शरीर के बीच में जो दूरी है जो हम इस योग में कर भी रहे हैं, जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर लें, हमें हमारे अनुभव में नहीं आ जाए, तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इच्छा विचार आशा जो चल रही है जिसके अंदर वो कोई एक अलग एंटिटी है, क्योंकि जब तक इन दोनों में क्लियर कट दूरी। ये अलग अलग बातें हुई, ये अलग अलग बातें हुई, तो हम ये तो कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, सेल्फ है नहीं है, सेल्फ यूनिट है या सेल्फ ऑल परवेडिंग है, सेल्फ है ना बॉडी का एक इफेक्ट है, क्या है इसको हम ओपन रखेंगे अभी, बट बात यहाँ पे फिर नहीं रुकेगी कि सेल्फ बॉडी ह्यूमन बीइंग इज मेयरली द बॉडी। तो ये हमको अपने आप में पहले क्लियर हो जाए कि हम भी किस बेसिस पे ऐसा मान सकते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी चर्चा के आधार पर हमने मान लिया कि सेल्फ होता है और बॉडी होता है, तो ये भी मानना हुआ, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो फिर हमको लगता है कि हमारे पास उत्तर नहीं है, तो ऐसा नहीं, हम इसको भी ना माने, हमने तो ये मानेंगे ना, तो ये मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग इज मेरली द बॉडी, ना ये मानेंगे कि सेल्फ जैसी कोई चीज अलग होती है, बल्कि हम उसको ओपन रखेंगे, हम उसको जितना सिंसियरली ऑब्जर्व करेंगे उतना हमको क्लैरिटी बनेगा इस पे कि नहीं। जी बताइए। हाँ जी भैया, लेकिन हमने जो इस प्रस्ताव में रखा है कि जो नीड है, एक्टिविटी है, रिस्पॉन्सेज है, इनके आधार पर हम ये तो देख जान पा रहे हैं कि मैं और शरीर अलग है, लेकिन जो मैं कहां जान पा रहे हैं, रुके अभी नहीं जान पा रहे इससे, तो ये हो सकता है कि आदमी इसको ब्रेन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करे कि ब्रेन में भाई कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं, एनालिसिस होती है, बाकी सब बॉडी में होता है, इससे तो वो हो सकता है कंफ्यूजन बना रहे। तो भैया मैं को जब तक हम मैं और शरीर के बीच में दूरी को अनुभव नहीं करेंगे तब तक तो ये वास्तव में भी हम नहीं जान पाएंगे, तब हाँ। तो हो सकता है कि ये एक्टिविटी जो चल रही है ब्रेन के ब्रेन में ही चल रही हो या ब्रेन के बाहर की, ब्रेन के बाहर या कहाँ है उसकी लोकेशन क्या है मैं की, वो तो अभी अनुभव में आई नहीं।
ठीक बात है, तो हम अपने लिए भी इसको ओपन रखेंगे। तो हम ना तो ये मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग मियरली द बॉडी, ना ये मानेंगे कि सेल्फ जैसी कोई अलग चीज है, बल्कि हम इसको देखेंगे। तो क्लास में भी जब डिस्कशन होगा तो हम इन दोनों को ओपन रख लेंगे, ठीक है, जी है ना, जी और सेल्फ है कि नहीं इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे। जी जी तो ये भी कहने का कोई आधार नहीं है कि ह्यूमन बीइंग मियरली द बॉडी। इनफैक्ट हाँ अभी भी जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्सियसनेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारा जो प्रपोजल हमें इससे मिलता है, दर्शनों से मिलता है, उसमें भी एक प्रपोजल है। तो इसको एक वैलिड प्रपोजल के रूप में तो रख ही सकते हैं कि हाँ ऐसा है ना, एक हाँ प्रपोजल के हाँ रूप में, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रखने का पर्पस ही ये था, क्योंकि मुझे साइंस की बहुत ज़्यादा, मैं न्यूज़ या इस तरह के पढ़ता नहीं हूँ, साइंस में क्या डेवलप किसके बारे में चल रहा है, तो मुझे इसलिए आपके सामने रखा कि शायद अगर आपने वो कहीं पढ़ा हो साइंस की जो खोजें रिलेटेड हुई हैं, और जड़ पे उन्होंने काम करते करते कॉन्शियसनेस पे क्या काम किया है, क्या साइंस अभी तक जान पाई है, उसकी अगर जानकारी हो, इसलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रखा। क्योंकि मैं थोड़ा नहीं, बाकी मटेरियल कम पढ़ता हूँ, कुछ एक मेरा लिमिटेड एरिया है उसी में मैं पढ़ता हूँ, और अपने ऊपर अभ्यास है उस पर ज्यादा जोर है। हाँ नहीं, वो ठीक है, उसको हम करें। और साइंस में भी जो शायद इस बैच में ना बात हुई हो, बट कई बार जो बात होती है कि साइंस में भी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होती है ना, उसमें ये बात होती है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व का एक पार्ट है। तो यानी कि अभी ये बहुत क्लियर नहीं है कि अभी हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फिजिकल या फिजियोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक, वो एग्जैक्टली रियलिटी वैसी है। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आई हैं जिसमें कि क्लैरिटी नहीं बन पाती है ना। तो साइंस में भी बहुत सारे मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं, इनफैक्ट साइंस में आज के दिन किसी मुद्दे पे देखें तो प्रिसाइजनेस के साथ कोई बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि तो अभी ये मेमोरी क्या है, ब्रेन क्या है ना, लाइट क्या है, एटम क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारे इश्यूज अभी ओपन है। तो 20th सेंचुरी में जो रिसर्च हुआ उससे उन्होंने जो भी शोध किया, उसके बाद एक पॉइंट पे आकर उनका सारा रिसर्च रुक गया, क्योंकि तो उसके आगे निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे थे, है ना। तो ये समझ में आया कि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, यानी आप फिजियोकेमिकल वर्ल्ड के बारे में फिजियोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो कुछ भी डिराइव कर रहे हैं कंक्लूजन, उसमें अनसर्टेनिटी शामिल है। तो अनिश्चितता है फिर, है ना, हम निश्चितता के साथ कोई चीज तो जान नहीं पा रहे उसमें। और ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इस तरह की चीजें हैं, इससे भी दिखता है कि जो हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वर एक पार्ट है, यानी कि आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को। तो उससे और कंफ्यूजन बढ़ गया कि एक तो हम इंस्ट्रूमेंट से ही चीज कुछ चीजों को साफ साफ नहीं देख पा रहे, ऊपर से अगर मैं भी इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में, तो फिर निष्कर्ष क्या है, फिर हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या है ना। फिर एक क्योस थियरी भी आ गया कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में तो जो आपका कंक्लूजन है बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में चीजें आई जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं बननी, और कुछ इश्यूज पे तो क्लैरिटी नहीं है, जैसे अभी जितने भी दर्शन है उसमें जितनी बातें कही जा रही है ना, उस पर साइंस की पकड़ नहीं है। एट अ पर्सनल लेवल देखे तो ये सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा मान के चलते हैं, जैसे जो बात आती है ना कि जो आइंस्टीन थे वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको रिलेटिविटी को और मैक्सवेल इक्वेशन को अगर हम आपस में कंबाइन करें तो हम एक ऐसे इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं कि इस एग्जिस्टेंस में जो भी फ्यूचर इवेंट होने वाला है उसको हम एज इट इज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और वो उसको नहीं प्रूव कर पाए, और ये सिद्ध हो गया कि अगर रिलेटिविटी की प्रिंसिपल सही है तो अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल भी सही है, उनका एक स्टेटमेंट आया, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, भगवान जो है पासे नहीं फेंकता। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि एट अ पर्सनल लेवल वो ये सारी चीजें मान के चल रहे हैं, भले ही उसको ओपनली किसी पेपर में पब्लिश नहीं कर रहे हैं, है ना, या लिख नहीं रहे हैं कहीं पर ये नहीं। जी तो भैया, अभी ये सब चीजें रहस्य हैं। तो साइंस के भी जो लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, जो साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज ओनली मेटेरियल, ठीक, बट उनके पास अभी उससे आगे जाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वहां रुक गए। जो साइंटिस्ट हैं वो लोग भी ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन बींग मियरली द बॉडी,
आप देखेंगे उनका लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, सबका अपना अपना एक पर्सनल फेथ सिस्टम है, कोई ना कोई आस्था और मान्यता लेकर जीते रहे हैं। ये भी बताते हैं कि जब साइंस में एक पॉइंट पर जाकर रिसर्च रुक गया और जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया, उसके बाद जो हानि हुई पूरे विश्व को, पूरे सभ्यता को, तो उससे लोगों के अंदर एक ग्लानि भी हुई, तो उन्होंने लौट कर फिर भारतीय दर्शनों का अध्ययन शुरू किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। इसका मतलब उनको लगता है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो अपने आप में तो क्लियर नहीं है, उसका फल परिणाम भी बहुत हानिकारक हो सकता है। तो वैसे अगर सूचना के रूप में देने जाएं तो ये सारी बातें हम लोग बच्चों को शेयर कर सकते हैं, परंतु मैंने वो जो दो बातें कही कि अगर रैशनल बेसिस पे भी हम बात करें तो ये कहने का कोई आधार नहीं है कि मानव शरीर मात्र है, ये सारी क्रियाएं ब्रेन में हो रही है, ये भी एक मानना है। ब्रेन में प्रभाव पड़ रहा है, सिक्रीशंस होते हैं हमारे भावों के आधार पर, हमारे सुख दुख के आधार पर, वहां तक तो ठीक है बात, बट सुख दुख ब्रेन में हो रहा है ऐसा तो साइंस भी नहीं कहीं एक्सप्लिसिटली कह रहा है, कोई ऐसा पेपर नहीं है, कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हुआ। और दूसरा अगर हम और थोड़ा सा देखें तो अगर मानव का शरीर मान लें, इतना सारा जो हम श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई नेट आउटकम नहीं है कि नहीं, जीते जी भी तो दुख, ऐसा भी नहीं कि सुख जी पा रहे हैं, इतना सारा दुख सह के और इतना सारा कष्ट सह कर भी हम जो निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं उस निष्कर्ष की भी कोई निरंतरता नहीं है। ठीक, तो इन दो विधियों से अगर लेके चले तो बच्चों को इतना तो क्लियर हो जाता है, फिर हम कहेंगे ठीक है इसको ओपन रखिए, इसको प्रपोज कर रहे हैं अभी और इसको हम जांचें अपने आप में जी कर देखें ये हमको सहज से स्वीकार होता है कि नहीं। अगर सहज स्वीकृति जो तीसरी बात है, अगर सहज स्वीकृति के आधार पर देखें तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि शरीर गया तो सब कुछ चला गया, तो सहज स्वीकृति तो नहीं है इस बात की, हम चाहेंगे कि जो हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हुआ वो कंटिन्यू करे। अभी भी हमको पता है कि जो सूचना है वो हम भूल जाते हैं, जो समझ लेते हैं वो हमारे साथ बना रहता है, तो हम देखें तो एक ना हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये बात तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर दिखाई देता है। फिर अगर और अवसर हो तो बहुत सारी और जो चीजें हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो कैसे उसके आचरण में भिन्नता होती है ना, शरीर की बनावट एक रहते हुए भी कैसे आचरण में भिन्नता होती है, इन सब चीजों को भी अध्ययन कर सकते हैं। भाई एक ही माँ के गर्भ से दो शिशु निकले है ना, तो इतना अंतर तो नहीं हो सकता उनके, ना तो जीन्स में अंतर है ना शरीर की बनावट में अंतर है, फिर एक क्रूर हो गया, एक सरल हो गया, एक बहुत उदार हो गया, एक कृपण हो गया, एक भोगी हो गया और एक तपस्वी हो गया, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब कि सिर्फ बॉडी के आधार पर आचरण हो रहा ऐसा नहीं है। तो पहली दो बातें मैंने जो कही वो रख सकते हैं, तीसरी बात को भी बच्चों से पूछ सकते हैं और इस तरह के ऑपरेशन को ओपन कर सकते हैं, इसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको देख लीजिए। कम से कम भारतीय समाज में तो एक मानने की प्रक्रिया भी रही है कि हम सेल्फ को या आत्मा को मान के चलते रहें, तो उतना मुश्किल नहीं होता है ना, परंतु फिर भी बच्चा अगर सिर्फ मान के चल रहा है तो उसको भी हम कहें कि अभी इसको भी जांच लो, सिर्फ मानने से मत चलो। जी हाँ भैया, वैसे जो भारतीय जो अपना रहा है उसमें मोस्टली बच्चे इस प्रस्ताव को लेते हैं उस तरह से जैसे हम लोग भी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो ये जानता हूँ भी है कि अगर ये है और हम देखने की हमारे पास देखने की क्षमता है तो हम देख रहे हैं उस प्रोसेस को जो भी हमें प्रस्ताव रखा जा रहा है, और उसका जो आगे जो परिणाम है उसको भी हम देख पाते हैं, म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, इस तरह से। तो कहीं कहीं हम अगर हमारे पास जो हमारा शरीर और ये इसका सह अस्तित्व है ये हमें मिला हुआ, केवल हमें देखने की क्षमता उतनी सूक्ष्म नहीं है, तो जितनी सूक्ष्म हम करते जाएंगे उतना ही हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी। जैसे अभी हम बात करें इच्छा विचार आशा की तो ये भी नहीं दिखता है जब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको देखने की प्रक्रिया को सूक्ष्म करते जाते हैं तो वो दिखना शुरू होता है। ऐसे ही मैं उस बात को कनेक्ट भी कर पाता हूँ। और जैसे बच्चों ने बोला कि जो हैप्पीनेस है वो डोपामाइन और ये जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स उसकी वजह से है, तो मैं उसको भी कनेक्ट कर पाया कि भाव, जब भाव आपका वैसा बना रहता है तो वो अपना आप रिलीज होगा, वो शरीर में तो शरीर तो पहचानता और निर्वाह करता है, तो आपका भाव कैसा है भाव के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, चाहे वो आप बाहर की वस्तु डाल के उसको रिलीज कर रहे हैं, चाहे किसी का भाव पाके कर रहे हैं, लेकिन भीतर आपके अंदर कैसा भाव बना रहता है संबंध का, व्यवस्था का, ये सारा भाव अगर बना रहता है तो
ऑटोमेटिक शरीर पर उसका परिणाम आता है, वो पहचानता है भाव के अकॉर्डिंग, पहचानता है, निर्वाह करता है, और उसमें अंदर वो इस तरह के केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। तो कहीं कहीं जो हैप्पीनेस आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो उसका सोर्स भी मेरा आपके ये सोच थोड़ी से ही अलग बात हुई। रुकिए रुकिए, फिर क्या आता है, इससे बच्चों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता क्या? हम बहुत सारी बातों को जोड़ देंगे फिर यहाँ पे। तो ये है कि ब्रेन के अंदर सिक्रेशन हो रहा है डोपामाइन का, एंडोर्फिन का, है ना, इन सब चीजों का सिक्रेशन हो रहा है, बट ये जो सुख दुख हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? बस इसको इतना रख के बोल दें। अगर आप बहुत सारी चीजों को डालेंगे कि संबंध के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, तो बच्चों को लगता है ये अपनी बात और हमारे ऊपर परोसे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। आप बोलिए नहीं बच्चों से भैया, जो किसके कहने के आधार नहीं पर। भैया जो सेक्रेशन हो रहा है वो किस वजह से, कहीं हो तो भाव के तल पर ही रहा ना भैया, भाव सेल्फ हाँ, में वो भाव के भाव, अंदर परिवर्तन। रुक जाइए, वो भाव कहाँ हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है या कहीं और हो रहा है, इसको कैसे तय करेंगे? मुद्दा ये है ना, मुद्दा है कि अभी सेल्फ है कि नहीं, तो सिक्रेशन ब्रेन में हो रहा है ये तो ठीक है, भाव कहाँ है? हाँ वो हम सेल्फ में ही मान के बात कर रहे हैं भैया, नहीं, मत मानिए ना, हम देखिए अभी क्या हो रहा है, थोड़ा वहां पे हड़बड़ी कर दे रहे हैं। आप क्यों मान रहे हैं कि सेल्फ में हो रहा है? हम पूछ रहे हैं बच्चों से कहाँ हो रहा है भाव, ये भाव कहाँ पे है? बच्चा कहता है ब्रेन में, तो इसको कहने का क्या आधार है? साइंस इतना कह रहा है कि जो सिक्रेशन है वो ब्रेन में हो रहा है, जो फीलिंग है वो ब्रेन में, ये साइंस कहाँ कह रहा है, किस आधार पे हम कह रहे हैं? नहीं देखिए हमको भी थोड़ा क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत भैया जब, कंफ्यूजन में। लेकिन हाँ भैया इसी क्लियरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, जब सेक्रेशन ब्रेन में हो रहा है और वो सेक्रेशन को हैप्पीनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इसको आगे कैसे ले जाएंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ ना। हाँ, हैप्पीनेस कहाँ पे है? फीलिंग हैप्पीनेस तो फीलिंग है भैया, फीलिंग कहाँ पे है? वो तो यही, वो अलग से कुछ मान ही नहीं रहे, वो तो बोल रहा हूँ मैं जो अभी खुशी हो रही है क्योंकि ये रिलीज हो रहा है, उन्होंने कहाँ हो साइंस रही में है? वेट पढ़ लिया। रुके रुके, खुशी कहाँ हो रही है? ये तो हाँ, इसको हम पूछेंगे ना, खुशी कहाँ हो रही है, ब्रेन में हो रही है, आप में हो रही है? ऐसे कोई संवेदना मिलती है तो भी खुशी होती है ना, टेम्परेरी खुशी होती है लेकिन कहाँ होती होती है, है। किसको होती है खुशी? रुके रुके, खुशी किसको हो रही है? अब ये यहाँ पर आके तो अटक जाते हैं भैया, फिर समझ में नहीं आता। नहीं तो हम अपने आप में क्लियर रहे ना, कि अभी ये हमको क्लियर नहीं है, हमको इतना क्लियर हो कि खुशी किसको हो रही है अभी क्लियर नहीं है, तो हम ये क्यों कहें कि ब्रेन को खुशी हो रही है, ये तो कहने का कोई आधार नहीं है। हाँ तो फिर वही बात आ गई भैया, इसको भी ओपन रखने की बात ही है, देखने की बात। हाँ, इसको फिर हम देखेंगे, तो हम इस पे सेटल नहीं करें कि ह्यूमन बीइंग नियरली द बॉडी, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ठीक, हम कहेंगे इसको भी अपने आप में ऑब्जर्व करिए कि खुशी किसको मिल रही है, आपको मिल रही है या ब्रेन को मिल रही है? तो भैया जो इन दोनों के बीच की दूरी है या इसका जो अभी मैं कहाँ जा अपनी रहे हैं बात हम कर दूरी रहा पे? हूँ, रुके रुके, अभी हम मैं दूरी पे अपने नहीं जाएंगे। नहीं मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं इस अभ्यास में पहले से भी हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, तो और इस अभ्यास में क्या गहनता चाहिए भैया कि जिससे हमारे को ये दोनों एंटिटी अलग से अनुभव हो जाए। देखिए, एक तो ये है कि जो मान कर हम चल रहे हैं, है ना, उसको ओपन रखें हम अपने पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि मान कर हम फिर कुछ निष्कर्षों में चले जाते हैं, और फिर हम होता ये है कि हमने आधार में कुछ मान लिया, और मान कर हमने एक बड़ा सा एक वहाँ पे एक पूरा पैराडाइम, एक मॉडल ओपन कर दिया। अब उस ओपन मॉडल के बारे में हमने अभी, हमको ज्ञान नहीं है, तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ, जब संबंध दिखेगा, व्यवस्था दिखेगी, इस हफ्ते तो दिखेगा, तब ये भी दिखेगा, तो हम उसको अभी वहां ना जाए, हम तो पूछें अपने आप से कि अभी जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये कौन बोल रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, इसको हम ओपन रखें, और इसको बहुत सिंसियरली ओपन रखें, ऐसा नहीं कि मानने के लिए मुझे नहीं पता जी है ना, मैं इसको देखूंगा, देखूंगा तो दिख जाएगा, आप ही देखने वाले हैं, आप ही को अपने आप को देखना है तो दिख जाएगा। तो अभी हम ये, इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है कि इन सारी बातों को जो स्लाइड पर रखी हैं, इसको बार बार सुनते सुनते हम इसको मानने लगते हैं, बट जब ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बच्चों से आए या समाज से आए, या कहीं हम बैठे हैं और लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये सारी मान्यताओं पे फिर प्रश्न चिन्ह बनने लगता है, और हमारे पास उत्तर नहीं होता, तो हमको फिर लगता है कि देखो अभी तक हमने भी तो मान ही लिया, भले ही हम 10 साल से मानते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको माने नहीं जांचे, डे वन पे हम लोग कह रहे हैं इसको माने नहीं जांचे, तो जो अभी तक माना हुआ है उसको भी ओपन कर दें, जो सामने कहा जा रहा है उसको भी ओपन रखें, और इसको देखें, और
जंप ना करें हम कंक्लूजन्स पे, उसको ऑब्जर्व करें कि मैं हूं कि नहीं, है ना। ये चाहना कहाँ है, सुखी होने की चाहना कहाँ है, मुझ में है, शरीर में है, कहाँ, इसको हम देखें। तो ये सुविधा की आवश्यकता शरीर को है ना, समझ भाव की आवश्यकता मैं को है, ये हमने बोला, हम विचार में बात पूरी पड़ गई और हमारे पहले की सोच से मेल खा गया, तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। बट हमने देखा कहाँ इसको, अब वो जो हमारी सोच से मेल खा गया, बच्चों की सोच से मेल नहीं खा रहा, तो बच्चे हमें रोक देते हैं वहां पर, तो फिर हम वहां पे ना खुद में भी हमें लगता है कि हाँ अभी हमें भी क्लियर नहीं है, तो हम अपने आप में भी उसको जंप ना करें, स्किप ना करें। ये तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक एक ही बात को सुनते सुनते हमको लग लगता है हाँ ये सब हमको पता है, बट हमारी मानने में गया है, हमारे जानने में नहीं आया है। जी भैया, नहीं जी, हाँ नहीं वो बात सही है भैया, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल भैया, बिल्कुल सबके लिए है। और इसमें ये है ना भैया कि हम बहुत लंबे समय तक जैसे आज जो अभ्यास यहाँ भी रखा गया है, पहले भी किसी प्रस्ताव के रूप में आया है, हम ईमानदारी से उसको करें, हो सकता है हमें अगर वो चीज नहीं आ रही है पकड़ में, तो हमारी ईमानदारी में कमी है या हमारे प्रयास में कमी है या हमारे सूक्ष्मता में कमी है। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है कि और सूक्ष्मता के साथ एक बिल्कुल जैसा आपने रखा कि बिना माने इस पर काम करते रहे, गहराई से काम करते रहे, तो शायद इसमें जो भी हम अनुमान लगा रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, वो शायद आगे जाके हमें दिखाई दे। तो उसमें हम फिर ये देखें, ये जो हम स्किप कर जाते हैं, ठीक है ना, तो अपने ऑब्जर्वेशन को और हम शार्पन करेंगे कि अभी हम एक के बाद दूसरी चीजों को जब हम अज्यूम कर लेते हैं, तो हम अज्यूम नहीं करेंगे, वहां पे रुक जाएंगे, उसको हम और ऑब्जर्व करेंगे और हम शार्पन करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन को। मैं हूँ पहला लिखा हुआ, आई एम कैसे पता, इसलिए आप देखें तो इस स्लाइड को बहुत कॉशसली बनाया गया है कि मैं हूँ, है ना, हम यही रुक जाएंगे, क्या है शरीर ही है या मैं भी हूँ, क्या है मुद्दा, क्या है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। है सही है, लेकिन फिर तो यात्रा यही रुक जाती ना, मैं हूँ पर मैं को जानने में यात्रा रुक जाती है, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, ये जो हम स्किप कर गए मानकर, वो अच्छा होगा कि वो हम मानने पे रुक गए, मतलब हम मानने को ओपन कर दिए, अब मानेंगे नहीं, उसको देखेंगे, देखेंगे इसको कि मैं हूँ कि नहीं, तो ये हमारे लिए और उपयोगी है। फिर तो भैया ये तो वही बात हुई ना कि जब तक आपको, एक अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ जो इसमें नहीं रखा गया है, जो एक बुद्धत्व की घटना है या अनुभव की जो घटना है या आत्मा को जो जानने की बात है, वो नहीं होने के पहले तो ये सारी चीजें मानने की तरह ही है भैया, अनुमान की तरह ही। हाँ तो ऐसा भी नहीं है, अब देखिए उसमें चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे और भी को एक्सप्लोरर है उनके लिए हो, जब तक उन्होंने मैं और शरीर को अलग अलग नहीं जाना, तब तक तो ये सारी बात मान के अनुमान के आधार पर ही चलती है। ठीक बात है, तो उसको अभी हम ओपन रखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि फिर जो आपने बात कही ना, इससे लगता है कि बहुत दूर की बात है कि मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाऊं, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है कि हमें जब संपूर्ण ज्ञान होगा तो पता चलेगा मैं हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसका एक छोटा भाग है, इसको देख सकते हैं, है ना, बस उसमें थोड़ा सा अपने को और बारीक होना है, गंभीर होना है, इसको देखना भी हमारे लिए एक मुद्दा है, इसको देखेंगे जी। थैंक यू, और ना तो इसको मानेंगे ना इसके अन्यथा मानेंगे जी जी। और ये अगर हमको अपने आप में क्लियर होगा तो हम बहुत रैशनली भी जो भी बात कह रहे हैं ना डिस्कशन क्लास में, हमारा क्लास में जो डिलीवरी होगा कंटेंट का वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, नहीं तो बच्चे भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, बट जीने में परिमार्जन नहीं होगा, क्योंकि मूल में कुछ ना कुछ शंका भाव बना रहेगा। जीवन में परिमार्जन भी होता है भैया, लेकिन उतनी स्पष्टता से नहीं हो पाता है, जैसे अभी ये कंटेंट को एक्सप्लोर करते करते जीवन में कुछ परिमार्जन तो दिख रहा है, काफी कुछ परिमार्जन दिख रहा है, पर्टिकुलरली हम संबंध के तल पर देखें, फिजिकल फैसिलिटी के तल पर देखें, या व्यवस्था को लेके भी बात करें, जो हम समझ के जो मान किस प्रपोजल को मान के जो कर रहे हैं उसमें भी परिवर्तन तो है, लेकिन परिमार्जन नहीं कर सकते या उस लेवल का परिमार्जन नहीं कर सकते जी जी, जहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो जाए। ठीक बात है,
इसको हम लोग ऑब्जर्व करते चले, ठीक है ना, और बहुत क्लियर रहे हमें कि कितना हमने जाना है और कितना माना है, चाहे इसको या उसके अन्यथा। इसको चाहे तो जनरल हम नोट कर लें कि ना तो हम ये कह पा रहे हैं ना वो कह पा रहे हैं, ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ आज के दिन, ना ये कह सकता हूँ कि मैं ही शरीर हूँ। मेरे लिए अभी ये ओपन मुद्दा है, ठीक है ना। और फिर हम इसको अगर थोड़ा सा रैशनली एनालाइज कर लेंगे, अपने कल्पनाशीलता में भी एनालाइज कर लेंगे, तो कोई भी इसका अन्यथा बात कही जाती है उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बढ़िया भैया जी जी जी, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा क्लेरिफिकेशन ऐसा चाहिए था कि अपन जो भी निर्णय लेते हैं वो तीन चीजों पे लेते हैं, जैसा बताया कि पहला मान्यता, दूसरा शारीरिक संवेदना, तीसरा सहज स्वीकृति। तो ये तीन क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने एक एग्जांपल एनालाइज करना चाहता हूँ। हमारे कॉलोनी में एक हमारे पहचान के है, वो अभी रिटायर हो रहे, उन्होंने 4 फोर स्टोरीड बिल्डिंग बनाया। तो उनके घर में 2 मेंबर है, मियाँ बीबी। तो हमने उनसे पूछा कि आप 2 ही लोग हैं और आपको 4 मंजिली बिल्डिंग बना रहे हो, इतने सारे रूम्स बना रहे हो, तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने आंसर जो दिया वो कि भाई हमारे जो भाई है, हमारे को 4 भाई है और चारों भाई के मकान 5 स्टोरीड बिल्डिंग्स है उनकी सभी की। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी स्टेटस उनके बराबर रहे, इसलिए मैं 4 मंजिली बना रहा हूँ बिल्डिंग। तो मैंने अभी ये एग्जांपल ये 3 क्राइटेरिया से एनालाइज करना चाहता हूँ। पहला तो मान्यता है, ये मान्यता कि अपना स्टेटस अपने भाई के बराबर रहना चाहिए, इसलिए वो बिल्डिंग बना रहे, ना कि उनकी रिक्वायरमेंट कितना है वो देख के। दूसरा है शारीरिक संवेदना। तो अभी शारीरिक संवेदना के बारे में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कैसा ये एक्सप्लेन करें। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि भी जो मकान बनाते हैं उससे अपने बॉडी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो ये हिसाब से देखा जाए 2 आदमी के लिए 4 मंजिली बिल्डिंग की जरूरत नहीं, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है इसको। या पर शारीरिक संवेदना के बारे में कैसा एनालाइज करे और कैसा प्रूव करे कि ये डिसीजन बराबर नहीं है, ये थोड़ा मुझे गाइडेंस चाहिए था, यानी थोड़ा मेरा भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो उनसे पूछने पे पता चला कि क्योंकि उनके भाइयों के पास 4 मंजिला मकान, इसलिए वो भी 4 मंजिला बना रहे हैं, तो ये तो मान्यता ही है, इसमें संवेदना का रोल नहीं है। संवेदना के हिसाब से अपन देखा जाए तो कैसा? नहीं नहीं, अभी अभी रुके रुके, अभी जो व्यक्ति मकान बना रहे हैं उनके लिए तो मान्यता ही आधार है, मान्यता के ऊपर। भैया नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो भी वो बराबर नहीं है ना कि आपको। नेचुरल एक्सेप्टेंस ये है कि हमारे पास मकान हो ताकि हम शरीर को संरक्षित रख पाए, बराबर है, बराबर, ठीक है ना। 4 मंजिला हो ये मान्यता से आ रहा है, और अगर हम संवेदना को देखना चाहें तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि ये 4 मंजिला बनाया उसका जो रूप रंग तय कर रहे हैं ये किस आधार पे तय कर रहे हैं। अच्छा। तो अगले ने अगर है ना व्हाइट बनाया है तो हमने अपने मकान को ब्लू पेंट किया ताकि हमारा जो मकान है वो कुछ अलग दिखाई दे, कि हम हमारा मान्यता भी है कि हमारे भाई से कुछ भिन्न होना चाहिए और ब्लू कलर हमको अपील कर रहा है, तो ये संवेदना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बराबर बराबर जी, ठीक है भैया, थैंक यू। तो उनके लिए तो ये मान्यता ही आधार है, मान्यता ही आधार है, और ऐसे जो मान्यता पे डिसीजंस लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं रहते, बराबर नहीं रहते, उनको मैंने बताया लेकिन वो समझ नहीं पाए। ठीक है भैया, थैंक यू। सर अभी जो बात हो रही थी उसी से रिलेटेड एक चीज पूछनी थी। सर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि माइंड, बॉडी, सोल, सेल्फ, कॉन्शियसनेस, और बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। फिर सर कुछ क्लैरिटी देंगे इसके ऊपर? वो इसलिए देखिए तो बहुत ही स्पेसिफिकली हम लोगों ने एक वर्ड रखा है सेल्फ, क्योंकि माइंड है ना या आत्मा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कई प्रकार से हुआ है। तो भाई अपने आप को ऑब्जर्व करिए, है ना। सेल्फ को और सिंप्लीफाई करना तो आई शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जिसके लिए करते हैं उसको ऑब्जर्व करिए कि आई क्या है। आप तो अपने समझ में कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस क्या है? आई सेल्फ, तो ये सब एक ही चीज है, सेल्फ, आई, माइंड, सोल। देर क्या, वहां मिक्स ना करें,
तो मैंने कहा कि सेल्फ आई कॉन्शसनेस इन तीनों को एक कह रहे हैं। अब माइंड की अगर बात करें तो माइंड को दो प्रकार से प्रयोग किया गया है, या तो एक्सपेक्टेशन की एक्टिविटी हो रही है उसको माइंड कह रहे हैं, या इमेजिनेशन को माइंड कह रहे हैं। सर जब भी हम एनालाइज करते हैं चीजों को, जब भी हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं ये माइंड में होती हैं या सेल्फ में होती हैं? माइंड में भी हो रही हैं, सेल्फ में भी हो रही हैं। तो माइंड एक डायमेंशन है सेल्फ का। तो माइंड को हिंदी में अगर देखें तो मन कहते हैं जी। सो हम मन में सारा सब कुछ एनालाइज करते हैं उसको। रुकिए, तो माइंड को हिंदी में अगर शब्द प्रयोग करें तो मन कहते हैं। मन जो शब्द जुड़ा हुआ है वो आशा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चयन आस्वादन हो रहा है, सेलेक्टिंग टेस्टिंग हो रहा है। बट कई बार इंग्लिश में जिसको माइंड कह रहे हैं उसको हिंदी में मन कहना उचित नहीं है, क्योंकि पूरी कल्पनाशीलता को ही माइंड कहते हैं। अच्छा, है ना। तो फिर पूरी कल्पनाशीलता ब्लॉक B2 को माइंड कह रहे हैं वहां पे। तो अगर माइंड को मन कहा जाए तो एक्सपेक्टेशन की जो एक्टिविटी है वो माइंड है, बट यदि पूरी इमेजिनेशन को रिलेट कर रहे हैं तो ब्लॉक B2 के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में माइंड और इंटेलेक्ट, है ना, माइंड इंटेलेक्ट सोल, yes. तीन शब्दों का कई बार प्रयोग किया जाता है। yeah. तो जहां पे हम एनालाइज कर रहे हैं उसको इंटेलेक्ट कह रहे हैं। okay. और ये जो हमारे अंदर चंचलता रहती है उसको माइंड कह रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है या जो नोइंग का डायमेंशन है उसको सोल कह रहे हैं, जिसको प्योर कह रहे हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए अभी उन शब्दों का प्रयोग ना करके सीधा सीधा उसकी बात कह रहे हैं जो हमारी भाषा में है, आई सेल्फ, है ना, इसकी हम लोग बात करते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं। सर बच्चों ने ये सब कुछ पढ़ा होता है, वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे, तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने जो भी पढ़ा हुआ है। तो हम तो यहाँ दो बातें कहेंगे, एक तो ये है कि आप हो कि नहीं इसको देख लो, है ना, आई वर्ड आप यूज करते हो, ये आई क्या है इसको आप ऑब्जर्व करो, एक बात तो ये। दूसरा, ये जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है उसको हम एनालाइज और इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो प्रपोजल जो रखा जा रहा है उसको हम समझ लें, और उस प्रपोजल के बेसिस पे जो कुछ भी हमारे पास और बोरोड इंफॉर्मेशन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न ट्रेडिशंस में भिन्न भिन्न तरह के शब्द रखे गए हैं। जैसे हिंदी में भी आप देखें तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, है ना, आत्मा, इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर आप बौद्ध दर्शन में देखें तो चित्त शब्द का ही ज्यादातर प्रयोग होता है जी। तो योग दर्शन में देखें तो चित्त का बहुत सारा, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, तो चित्त और वृत्ति का प्रयोग हो रहा है वहां पे, है ना, मन का तो प्रयोग नहीं हो रहा वहां ज्यादातर समय जी। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अब हम इस पूरी समझ के साथ उन सारे शब्दों को प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं, या अगर हम वैदिक दर्शन को देखें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चार शब्द हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाकर देखें तो चिदानंद स्वरूप इसका प्रयोग हुआ है। तो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई वास्तविकता को जैसा वैसा देख लें। तो एक एक्सट्रीम तो ये है जो अभी कृष्ण भैया से बात हो रही थी कि शरीर को मानकर हम हर चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे जाते हैं तो इतने सारे शब्द हैं कि बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं जी, है ना, जो जिस परंपरा से आया है उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई वास्तविकता को देखिए और उन सारे शब्दों को प्रॉपरली प्लेस कर लीजिए और ओपन रखिए। अभी आप जितना देख पा रहे हैं उतने को ही हम कहें कि हमने देखा है, बाकी सबको ओपन रख लीजिए। अच्छा, ठीक, तब वो शुद्ध दृष्टा की स्थिति में आएंगे। अदरवाइज जैसे मानना मिक्स होगा तो सुन लेंगे, सहमत हो जाएंगे, बट दृष्टा की स्थिति में नहीं आएंगे। और हमको इससे बहुत तर्क करने की जरूरत नहीं क्लास में, है ना। हम तो ये बच्चे से पूछे आप किस आधार पे कह रहे हैं, आपने पढ़ा है इसको प्रस्ताव के रूप में रखिए। हाँ सर, नहीं ऐसा लगता है जैसे हम उन पे कुछ इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ना करें, वो गलती हो सकता है क्लासरूम में हो रही है, उसको बिल्कुल ना करें, है ना। उसको हम जितना जेन्युइनली अपने अंदर एनालाइज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही हम बच्चों के साथ एनालाइज कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे जी। ऐसा हो सकता है कि इस प्रस्ताव को बार बार सुनते हुए या जो भी हमने दर्शन पढ़ा उसको बार बार पढ़ते हुए हम उन चीजों को मान लेते हैं जी।
है ना, उससे हमारा उपकार नहीं होता है। इसमें जितनी बात सामने स्लाइड में है ना, इसको हम जितना भी देख लेंगे उससे उपकार है, मानने से कोई उपकार नहीं है। मानने से इतना ही होता है कि हम एक प्रभाव में जीते हैं, ठीक। तो जब वो प्रभाव बना रहता है तो हमारे जीने में एक तरह का अभ्यास होता है, प्रभाव बदलता है तो फिर अलग तरह का होता है। बट यदि हमने देख लिया तो सामने बैठा व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, हमको जब दिख रहा है तो हम तो रिस्पॉन्ड कर ही सकते हैं ना, ऐसा ही है। फिर उसके वो कहाँ से आ रहा है हम उसको भी ट्रेस कर पाते हैं कि ये बात जो व्यक्ति कह रहा है ये मान कर कह रहा है या देख कर कह रहा है। तो दिखता है कि मान कर कह रहा है जी। जी, तो अभी जो बात कह रहे हैं उसमें सेल्फ और आई का प्रयोग कर रहे हैं दिख से दिख, और उसको भी मतलब देखें तो मन और इस तरह के शब्दों का बिल्कुल ना प्रयोग करके क्रियाओं पे ध्यान दे रहे हैं कि देखो आपके अंदर सेलेक्टिंग हो रहा है कि नहीं, टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, है ना, एनालाइजिंग हो रहा है कि नहीं, कंपेयरिंग हो रहा है कि नहीं, इमेजिंग हो रहा है कि नहीं। तो इच्छा विचार आशा से तो बात शुरू करते हैं क्योंकि शब्द बहुत टेक्निकल हो जाएंगे, बट धीरे धीरे इनको भी हटा देते हैं। किसको इच्छा कह रहे हैं, किसको विचार कर रहे हैं, आशा आपके अंदर एनालिसिस हो रही है कि नहीं देखिए, आपके अंदर इमेजिंग हो रहा है कि नहीं देखिए, उसको टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं देखिए उसको। तो प्रयास इस बात के लिए है कि बच्चा देखने की स्थिति में आ जाए, हम भी देखने की स्थिति में आ जाए। इनफैक्ट बच्चा मुद्दा नहीं है, हम जिस तरह से खुद में देख रहे होंगे रियलिटी को उसी तरह से ही हम दूसरे को भी दिखा पाते हैं। फिर अगर क्लास में बच्चा प्रश्न कर रहा है ना तो हम को दिखता है कहाँ से आ रहा है प्रश्न उसका, ठीक, फिर हम वहां जाके उसको दिखा पाते हैं, उससे बच्चा भी आश्वस्त होता है फिर। ठीक है जी। सर एक और प्रश्न था जी। सर एक और प्रश्न पूछा गया था क्लास में, जैसे जब हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी को नर्चर करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना भी सेल्फ का एक काम होता है, जस्ट बिकॉज सेल्फ इज यूजिंग द बॉडी। तो एक क्वेश्चन आया था कि अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं मेरे पास इतना वेल्थ है दैट आई कैन लीड अ लग्जूरियस लाइफ, कि मैं बहुत अच्छे से जी सकता हूँ, संपन्न हूँ मैं, तो मैं क्यों ना जीऊं? बिल्कुल जिए पर सुखी रहें। आप पूछ लें अपने आप से कि आप जब जी रहे हैं लग्जूरियस लाइफ तो आपके घर में समस्या है कि नहीं, और जो समस्या है वो सुविधा के अभाव में है या संबंध के अभाव में। उस लग्जूरियस लाइफ में भी जो समस्याएं हैं वो सुविधा के अभाव में, संबंध के अभाव में, तो निकल के आएगा संबंध के अभाव में। और संबंध का अभाव कैसे पूरा होगा, लग्जरी से पूरा होगा या समझ से पूरा होगा? देखता समझ से पूरा होगा। तो हमारा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कि आप कम सुविधाओं में जिए, हम तो ये कह रहे हैं आप सुखी रहें, और आप सुविधाओं से सुखी नहीं हो पाएंगे ये निश्चित है, इसको आप अपने आप में ऑब्जर्व कर लीजिए। इस चीज पे बहुत आर्गुमेंट होता है सर, वो कहते हैं सुविधाएं हैं एंड वो सर पीपल हैव बिकम सो मटेरियलिस्टिक दैट दे से दैट गिव्स अस हैप्पीनेस, उससे हमें खुशी मिलती है। देख लेना कभी कभी मिलती है, निरंतर मिलती है जब बच्चों नहीं बिल्कुल बिल्कुल बच्चों से पूछिए। देखिए कोई बच्चा नहीं कहता, मैं तो बहुत बार प्रयोग करके देखा, कोई नहीं कहता कि सुविधाओं से निरंतर सुखी हो सकते हैं। इनफैक्ट सर्वे भी करते हैं ना, जैसे फीडबैक लेते हैं बच्चों से, तो उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, मनी इज एवरीथिंग इन लाइफ, हार्डली उस पे स्ट्रांगली एग्री करता, कोई नहीं एग्री करता। तो ऐसा नहीं कि बच्चे इस चीज को मान लिए हैं, है ना, और ये तो हर हफ्ते कोई ना कोई मेजर न्यूज आता ही रहता है कि बहुत लग्जरी रखकर भी लाइफ का क्या हाल हो गया, बहुत पावर रखकर भी लाइफ का क्या हाल हो गया, ठीक। तो भ्रांति भी टूटती रहती है, तो एक मीडिया का उपकार है कि हर हफ्ते एक न्यूज लेकर आते हैं, इससे लोगों के अंदर भ्रांति टूटती है कि सुविधा संग्रह से सुखी नहीं हुआ जा सकता, ये बात लोगों को लगने लगता है, हाँ बहुत शक्तिशाली बनकर और पावर जमा करके भी सुखी नहीं हुआ जा सकता, जो दुर्दशा हो रही है आज के दिन लोगों की। तो ये तो बच्चों को भी अपील करता रहता है कि नहीं, वही बताने की कोशिश होती है पर उनको एक एग्रीमेंट पे लाना इट्स डिफिकल्ट। नहीं नहीं देखिए मुद्दा लाने का नहीं है, मुद्दा पहली बात तो ना थोड़ा उसको अगर हम ओपन रखें तो स्वयं में भी क्लियर होने का है। कई बार हमको भी क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम ऐसा कहीं नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्कशॉप में भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं कि आप लग्जरियस लाइफ ना जिए। हम तो ये कह रहे हैं भाई आप सुखी रहें, लग्जरी से हो जाते तो लग्जरी से कर लीजिए, बट हो नहीं पाएंगे ये हमको दिखाई दे रहा है ना, और यही बात हम प्रस्ताव पूर्वक आपसे कह रहे हैं। ठीक है सर, तो सुविधा है ना, वो आपके शरीर के ही काम आ सकता है, ठीक, उससे आपके भाव ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं है, उससे समझ सुनिश्चित हो जाएगा ऐसा नहीं है,
तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप लग्जरी में जिए ना जिए, हम तो कह रहे हैं भाई आप सुखी रहें, इतना सब करके भी हो गया तो ठीक है भाई। बिलीनर बन के भी अपने भाई के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहा, स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहा कि नहीं। अभी बिल गेट्स का न्यूज आया था, इतने दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, ठीक डिवोर्स हो गया, सुखी हुए दुखी हुए। और ऐसे उदाहरण रख सकते हैं कि किसी का नाम लिए बगैर भी रख सकते हैं कि भाई अगर है ना बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं बट वाइफ के साथ रिलेशन में चैस्टिटी नहीं है तो क्या लगता है सुख होगा नहीं होगा परिवार में? नहीं होगा। आपस में भाई के साथ रिलेशनशिप की फीलिंग नहीं, सुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बच्चों को देख पाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है इसको। हाँ, बट हम उसको कोई प्रिस्क्राइब ना करें ना मानने के लिए कहें। हम नहीं कह रहे कि आप कम सुविधाओं में जिए, बिल्कुल नहीं कह रहे, कहीं नहीं कह रहे, पूरे वर्कशॉप में नहीं कर रहे। हम तो कह रहे सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाए, उससे अधिक उपलब्ध हो जाए। और सुविधा की आवश्यकता की पहचान आपको ही करनी है, मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। प्रयोजन है ये भी हम देख सकते हैं जी। हाँ सर, वही कहते हैं कि you have to check what extent you have to acquire wealth also. What is the need and requirement of the body? हाँ, तो उसको हम देख सकते हैं। और वो नीड भी बॉडी के लिए किस प्रयोजन से है? अब ये जहाँ सेल्फ और बॉडी का जब वो बच्चों से डिस्कस करते हैं इस तरह का, या अपने अंदर भी अपन क्लैरिटी नहीं ला रहे, इस संदर्भ में हम पुनर्जीवन के जो बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं उसको भी एक बार रखा जा सकता है। मेरा देखिए क्या है, वो सब बोरोड इंफॉर्मेशन है ना, फिर उससे चर्चा फैल जाएगी। ओके, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप किस आधार पे कह रहे हो उसको बताओ, आप किस आधार पे कह रहे हो कि आप शरीर हो, कहीं लिखा हुआ है? और स्टडी था भैया रशिया में हुआ था कि वो लोग कंप्लीटली एनक्लोज्ड चैम्बर में जो डाइंग पर्सन को रखा है, देन दे ट्राई टू फोटोग्राफ। तो उस वक्त एक दो तीन बार ऐसा हुआ है कि उसका ब्लास्ट हुआ है वो चैम्बर, तो इतना भयंकर एनर्जी रिलीज होता है। कनी भैया उस पर भी ना जाएं, ये सब बोरोड इंफॉर्मेशन है, इससे एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। क्योंकि बच्चा कह सकता है कि एक्सपेरिमेंट की जो सूचना है आपके पास प्रॉपर नहीं है, मेरे पास दूसरी सूचना है। Okay. तो क्या है, फिर हम इन सब चीजों से अधिक से अधिक बच्चों को प्रभावित करेंगे तो बच्चे मेरी बात मान ले। पर्पस ही नहीं है कि बच्चा मान ले। नहीं, अपना तो समझ का उसका एक आधार बन जाए। नहीं, इससे नहीं आधार बनेगा, आधार तो दृष्टा भाव में जाके बनेगा, आधार तो देखने से बनेगा। तो हम तो एक तो किस आधार पे बच्चा अपनी बात कह रहा है उसको एक हम एनालाइज कर लेंगे, है ना, ताकि बच्चे को भी क्लियर हो जाए कि मैं भी मानकर ही कह रहा हूँ। मानव शरीर मात्र है, इसको मैं मान के ही कह रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है ब्रेन में मान कर ही कह रहा हूँ, है ना, देखा तो मैंने कुछ नहीं है। तो बच्चे को ये क्लियर हो जाए। अब हम बहुत सारी जो सूचना लेंगे तो बच्चा कुछ और भी सूचना ले आएगा कि नहीं मुझे दूसरे एक्सपेरिमेंट पर जानकारी है कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर हम है ना हमारे पास कोई रिस्पॉन्स। और वो आधार भी नहीं है। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन डायग्राम में क्या करें कि अपने सहस्वीकृत घर पर जाँच के देखें, तो इसमें हम जाँच के देख सकते हैं कि भाई हम कंटिन्यू करना चाहते हैं या शरीर के साथ सिमट जाना चाहते हैं, पूछ लें। कोई बच्चा नहीं कहता शरीर के साथ निपट जाना चाहते हैं कि नहीं, इसको जीकर भी देखेंगे। हाँ, ये बेस ऐसा ही लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो हम अगर इस तरह के जो सूचनाएं देते हैं ना, उससे अधिक से अधिक हम प्रभावित करेंगे ताकि वो हमारी बात से सहमत हो जाए। वो मुद्दा ही नहीं है सहमत होने का, मुद्दा तो एक्सप्लोर करने का है। भैया ये बात तो समझ आती है कि ये कहीं नहीं थ्योरीज में लिखा हुआ कि जो हमारे भाव हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, उसके आउटकम्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होना, ये हो सकता है, ये उसका एक रिजल्ट हो सकता है जी। लेकिन थोड़ा इसे रिवर्स करके देखें तो कई बार हार्मोन्स के जो रिएक्शन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जब हार्मोन्स दिए जाते हैं तो उससे भाव में परिवर्तन क्यों होता है? मतलब इस बारे में थोड़ा एक क्यूरियोसिटी बन गई जो डिस्कशन के दौरान ही, कि भाई जब हम हार्मोन्स देते, हार्मोन्स एक रिजल्ट है भाव का, सिक्रेशन है, लेकिन जब हार्मोन्स दिए जाते तो भाव में क्यों चेंज होता है? हाँ, तो देखिए शरीर में जो घटनाएं होती हैं उससे हम तो प्रभावित होते हैं ना अभी। हाँ जी तो अभी जैसे पैर में चोट लग गया हम दुखी हो जाते हैं, है ना, या शरीर में कुछ अनुकूल संवेदना हुई हम सुखी हो जाते हैं,
तो ऐसे जो शरीर में सिक्रेशन होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारे भाव पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोनों तरफ से मेरे भाव का शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर में होने वाली क्रियाओं का मुझ पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर में होने वाली क्रियाओं को मैं संवेदना के रूप में पढ़ता हूँ, उससे प्रभावित हो जाता हूँ, या मेरे अंदर जो भाव चल रहा है उस पर मैं निर्णय देता हूँ शरीर को, तो शरीर में प्रभाव पड़ता है। तो अभी तो टू वे चल ही रहा है, और अभी शरीर में होने वाली घटनाओं से हम इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि अभी हमारा जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मानकर जीने का, अपने आप को शरीर मानकर जीने का या संवेदना से सुखी होने का है, इससे हम प्रभावित हो जाते हैं। अन्यथा हम अपनी स्थिति में बने रहते हैं, शरीर से आने वाली संवेदनाओं को पढ़ते रहते हैं। जैसे जब हम ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं तो उससे ही भाव परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का इफेक्ट हमारे भावों पे पड़ रहा है। पड़ रहा है ना, शरीर का इफेक्ट हमारे भाव पे पड़ रहा है। शरीर में हमने ड्रग्स डाला, ठीक। अब जैसे शराब पीने वाले लोग हैं, तनाव होता है शराब पीते हैं तो उसे भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, है ना, कहते हैं अच्छी नींद आई, वैसे ड्रग्स का मुद्दा है। तो ये जो बहुत सारा लग्जरी तो हमने जुटा लिया, बहुत सारी सुविधाएं जुटा ली, संग्रह कर लिया, बट सुख तो है नहीं, सुख के लिए क्या करें। अभी आप देखें तो ये सब चीजें बढ़ गई समाज में, खासतौर पर जहाँ पे लग्जरी लाइफ बढ़ गया है, कि सुविधा संपन्नता तो हो गई है ना, शरीर से जो कुछ भोगना था वो सारा भी भोग के देख लिया, अब उसमें भी कोई निरंतरता नहीं दिखी, तो अब एक ये हो गया तरीका निकल गया ड्रग्स का, है ना, अब ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। ड्रग्स में क्या होता है, विस्मृति हो जाती है, ठीक। और कोई देखो लगता है जिसको एक्सटेसी कहते हैं, कि एकदम है ना आवेश की एक तीव्रता आ जाती है शरीर में, तो लगता है उनको कि यही सुख है, वो भी चला जाता है, और जब पुलिस का रेड पड़ता है तो दुख बढ़ जाता है। हाँ जी भैया, हाँ जी, ठीक कह रहे हो भैया जी। तो मेरा भी ये भैया का जैसे क्वेश्चन था, पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम यूएसबी 3 में किया था तो मेरा भी यही क्वेश्चन आता था कि ब्रेन और सेल्फ क्या होता है, डिफरेंस क्या, मगर आपने मेरा बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, फिर भी मैं समझ जाता कि क्या है एक्चुअली। देखिए कभी भी कोई चीज होता है ब्रेन, जो भी चीज है हमारा बॉडी का एक पार्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंट का जैसे काम करते हैं। अगर कोई आदमी यही देख रहा है और जब बच्चे को समझाते हैं, हमारा जो हमने सीखा था UHB 1 में कि तीन चीज होता है कि फिजिकल फैसिलिटी, रिलेशनशिप एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज को हम अगर लेके और भाप को लेके साथ में अगर चलेंगे तो आप जितना पैसा कमाने है कमाओ, जो करना है करो जिंदगी, मगर ये तीन चीज अगर इम्बेलेंस हुआ तो जो कंटिन्यूस हारमोनी होता है कंटिन्यूस, वो कभी नहीं मिल सकता है। वही एग्जाम्पल देखिए, अगर बच्चे को समझाया जाए बच्चे अच्छे समझते हैं, मैंने ये मार्क किया था, अब हम कुछ भी करें हमारा भाव नहीं बिगड़ना है, हम करोड़ों भी कमाएं मगर हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। नहीं, रुके रुके, ये सब गलत, रुके रुके, गलत दिशा में चला गई बात। हम क्यों करोड़ रुपए कमाएंगे, हम उतना ही कमाएंगे जितनी आवश्यकता है। देखिए ये सब जो है ना, थोड़ा हमको भी अपने आप में क्लैरिटी है होनी है, नहीं तो बच्चों से जब हम क्लास में डिस्कशन भी कर रहे हैं, अगर हमको क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर हम बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि करोड़ रुपए कमाइए आपका भाव ठीक रहे, ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं। भैया ऐसा भी तो नहीं है कि एक आदमी दो रोटी खाने के लिए जितना चाहिए, या एक करोड़पति भी हो दो रोटी खाएगा दाल खाएगा, उसका पास अगर बिजनेस है वो बिजनेस से अगर डेली उसके पास पैसा आ रहा है तो बिजनेस को तो बेच नहीं देगा, वो बांट तो नहीं देगा, वो जितना भी डोनेट करे अगर उसके पास पैसा आ भी रहा है तो क्या वो संन्यास लेके घर में बैठ जाएगा। अब ये सब हमको अपने आप में भी क्लियर होना जरूरी है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दो रोटी खा के रहिए ना, हम कह रहे हैं कि आप करोड़ों के बिजनेस के लिए। उसको पहले सुन लीजिए, तो सुविधा की आवश्यकता को ठीक से पहचान ले हम, तो करोड़ों का हम बिजनेस कर रहे हैं या हम करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कमा रहे, हम अपना समय व प्रयास लगा रहे हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि वो समय व प्रयास हम कहाँ कैसे लगा रहे हैं, उसमें हम जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनका न्याय कर रहे हैं कि नहीं, प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं या प्रकृति का भी हम संवर्धन कर रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना भैया, कि हम जो भी कर रहे हैं ये तीन चीज हमारा जो हमने सीखा कि राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी एज वेल एज नेचर के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ा भाव है, कुछ भी करिए भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, बस आप कुछ भी करिए अपना, इसीलिए आप सीख रहे हैं।
अरे रुके रुके भाई, हम तो यही चीज सीख रहे हैं भैया, रुके रुके इस तरह की गलती मत करिए, कुछ भी करियो भाव ना बिगड़े ऐसा कहाँ करें, क्यों कुछ भी करेंगे भाई, समझ के आधार पे करेंगे, कुछ भी क्यों करेंगे, हम किसी का गला काटेंगे भाव ना बिगड़े ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। मैं भी तो ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी को मार, ऐसे कुछ ना करो कि जिससे दूसरों को भी तो कुछ ना होना, बस यही तो बात है। और कोई तुझे हमें भी बोल रहा है तो कोई तो कारण होगा, वो बंदा हमें बोल रहा है। अशोक जी एक मिनट, थोड़ा सा पूरी बात को आप एक बार फिर से देखें, है ना, जो जितनी बातें आपने कही ना वो थोड़ा मिसलीडिंग हुआ जा रहा है। तो न तो हम कह रहे हैं कि कुछ भी करें आपका भाव ना बिगड़े, ऐसा नहीं, हम तो कह रहे हैं सही समझ सही भाव इंश्योर करें, ठीक, और वही आपकी सह स्वीकृति है, उससे सुख निरंतरता हो पा रही है। हाँ, इसके बाद मैं भी ये मैं जो बोलना चाहता हूँ आपने उसको कुछ भी करें ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी करें मतलब जो भी कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं हम दूसरों को देख के या अपना समझ के जब करते हैं कोई भी चीज, यही तो सिखाया गया कि अपनों ही समझना है दूसरों को। अच्छा, इस पे कल बात करते हैं, समय हो चला है। तो अच्छी बात है, आज की पूरी चर्चा से है ना ये निकल कर आ रहा है कि हम लोगों ने इस पूरे कंटेंट को सुना है, बट अभी हमारे अंदर उसका एनालिसिस और प्रॉपर होना है पूरे कंटेंट का, और उसको और बारीकी से स्वयं में देखना है, ताकि हम भी इन चीजों को मानने न लगे। और हो ये रहा है कि कई बार अगर हम चीजों को मान लेते हैं मात्र, तो हम जब बच्चों से बात शेयर करते हैं तो हम उनको भी मानने के लिए तैयार करते हैं, या अपनी बात से सहमत होने के लिए अभ्यास डालते हैं, ठीक, और उसको हम एलैबोरेट करते हुए कई बार ऐसी बातें भी कहते हैं जो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है। तो अच्छी बात है, आज की पूरी चर्चा से इन मुद्दों पे बारीकी से ध्यान गया, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो सुबह के सत्र का प्रयोजन एक ये भी है कि जो प्रस्ताव कहा जा रहा है वो ठीक से हमारे सुनने में आ जाए, फिर हम उसको अपने आप एनालाइज कर पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए। जी अभी तो रोकना होगा, समय हो चला है। असाइनमेंट के रूप में ये है कि जितनी बातें स्लाइड पर रखी हैं उसको हम देखें, मैं दृष्टा हूँ करता हूँ भोगता हूँ इसको देखें, और मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकता है, मैं हूँ, है ना, ये की इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको हम देखें, इसको मान के ना चलें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।